मेरे प्यारे छात्रों, आठवीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि भारतीय त्योहार नामक पाठ। इस पाठ के माध्यम से हम भारत के त्योहारों के परिचय प्राप्त करने वाले हैं। इसमें से पिछली कक्षा में हम मकर संक्रांति नामक पाठ के बारे में अध्ययन किए। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि मकर संक्रांति नामक पाठ के कुछ अंशों के बारे में अध्ययन किए। भारत एक त्योहारों के देश है। यहां त्योहारों के सिलसिला वर्ष भर वैसे चलते ही रहते हैं। आपको यह भी मालूम रहना है कि महीने में एक दो त्योहार जरूर रहते हैं। हर एक धर्म के अपने अपने त्योहार बहुत विशेष तरह से मनाते हैं। बच्चों, मकर संक्रांति त्योहार हर साल जनवरी महीने के 14 नहीं तो 15 तारीख को धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। आपको यह भी याद रहना है कि मकर संक्रांति के यह दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यह दक्षिणायन का अंत होकर उत्तरायण का प्रारंभ होने का भी प्रतीति है और यह पुण्य काल माना जाता है, पुण्य अवसर के रूप में लिया जाता है। आपको यह भी मालूम रहना है कि उत्तरायण के समय पर जो जिस किसी का भी मृत्यु होते हैं ना, वह जन्म चक्र, जन्म मरण चक्र से मुक्त हो जाते हैं। यह संप्रदाय भी है। मकर संक्रांति के यह उत्तरायण के पुण्य काल का है प्रतीक्षा करते रहे भीष्म पितामह। जब उसके जो वह इच्छामरणी थे, इच्छामरणी होने के कारण से उनकी मृत्यु कुछ दिन पहले होने पर भी वह उत्तरायण के यह शुभ अवसर का प्रतीक्षा करते रहे। जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश किया, उन्होंने देह त्याग लिया। बच्चों, मकर संक्रांति त्योहार को फसल कटाई का त्योहार के रूप में भी धूमधाम तरीके से मनाते हैं। यह हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए। आज की कक्षा में हम भारत के एक विशेष रूप से मनाने वाले त्योहारों के बारे में चर्चा करने वाले। एक तो यह पंजाब में जो सुप्रसिद्ध है, दूसरा यह केरल में सुप्रसिद्ध है, हमारे नजदीक रहने वाले केरल में सुप्रसिद्ध है। केरल के ओणम के बारे में तो हमने तो सुने हैं, लेकिन वहां के एक और त्योहार विशु का भी परिचय आज की कक्षा में हम प्राप्त करने वाले हैं। बच्चों, विशु त्योहार के बारे में देखने से पहले हम पंजाब के लोगों के बहुत महत्वपूर्ण त्योहारों में एक माने जाने वाले बैसाखी त्योहार के बारे में देखेंगे। बैसाखी त्योहार एक विशिष्ट प्रकार के जो त्योहार है, इस त्योहार में लोग नए वस्त्र पहनते हैं, नया नया खाना पकाकर खाते हैं और भांगड़ा नृत्य, गिद्ध नृत्य ये सभी करते हैं और इस तरह विशेष रूप से यह सेलिब्रेट करते हैं। देखेंगे हमारे पुस्तक में क्या क्या दिए हैं, इन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले बैसाखी त्योहार के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे बैसाखी त्योहार। बैसाखी त्योहार एक पंजाब के सुप्रसिद्ध त्योहार है। इसके बारे में विस्तृत तरीके से हम अध्ययन करेंगे। पहले पढ़कर सुनाता हूं, देखेंगे। बैसाखी
यह त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए फसल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नए फसल का त्यौहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। रबी फसल कटाई के लिए तैयार रहते हैं। इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं। इसलिए इस त्यौहार को उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस त्यौहार के दिन सब मिलकर ओजपूर्ण बांगड़ा और गिद्धा नृत्य करते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं। ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी, गुड़ खाते हैं। उत्सव अग्नि जलाकर उसके चारों ओर नापते हैं। यह है बैसाखी त्यौहार के बारे में परिचय। इसको हम अब विस्तार तरीके से देखेंगे। बैसाखी त्यौहार एक जिस तरह केरल में विशु त्यौहार धूमधाम तरीके से मनाते हैं और जिस तरह केरल में विशु त्यौहार को जिस समय आचरण करते हैं उसी तरह पंजाब में उसी समय में यह पंजाब में मनाते हैं। केरल में इसका नाम विशु रखा तो पंजाब में इसका नाम बैसाखी रखा गया है। केरल में विशु त्यौहार को फसल कटाई का त्यौहार के रूप में मानते हैं तो पंजाब में बैसाखी त्यौहार को फसल कटाई का त्यौहार भी के रूप में भी मानते हैं। केरल में विशु त्यौहार को नव वर्ष का आरंभ के रूप में मानते हैं तो पंजाब में बैसाखी त्यौहार को वह नव वर्ष के आरंभ के रूप में मनाते हैं। यह बैसाखी त्यौहार अप्रैल महीने में लगभग 14 तारीख को मनाते हैं। बहुत विशेष तरह से वह यह त्यौहार मनाते हैं। इसका इतिहास में एक सुप्रसिद्ध है। एक दिन इनके धर्मगुरु गुरु गोविंद राय ने सबको एकत्रित बुलाया और यह त्यौहार मनाने के लिए कहा। यह बाद में बैसाखी त्यौहार के रूप में प्रसिद्ध हो गए और वैसे वहां उन्होंने उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह के रूप में उसका नाम पड़ गया। इसके आपको यह याद रहना है कि बैसाखी त्यौहार पंजाब के सुप्रसिद्ध त्यौहार है। यह सुप्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आपको यह भी याद रहना है। यह त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार वहां के चारों पंजाब में और अन्य राज्यों में मनाते हैं। हमारे यहाँ सभी बैसाखी त्यौहार के बारे में यह नहीं मनाते हैं, लेकिन उस समय हमारे यहाँ दूसरा त्यौहार के रूप में हम बहुत खुशी महसूस करते हैं। यह त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार स्पेशली पंजाब में मनाया जाता है। पंजाबी इसे नए साल का प्रारंभ मानते हैं। जिस तरह हम यहाँ कर्नाटक में युगादि को नए साल का प्रारंभ मानते हैं ना, उसी तरह उनके जो वहां मानना है कि पंजाबी लोग बैसाखी को अपने नए साल का प्रारंभ मानते हैं। इसे नए फसल का त्यौहार भी माना जाता है। दूसरा नाम भी है उसका, नए फसल का त्यौहार माना जाता है। इस समय खेती में उगे जो सभी जो दान बड़े होकर कटाई योग्य बन जाते हैं और कट करने के लिए यह योग्य बन जाते हैं। इस तरह रहने वाले यह नए फसल घर में आकर एक आनंद भर देते हैं। जो जैसे ही नया जो दाना घर के अंदर आते हैं
लक्ष्मी के रूप में उसको वेलकम करते हैं और उसके बाद में वह घर के समृद्धि सूचक है और शुभ सूचक के रूप में रहते हैं। घर में यहाँ दाना अत्युत्तम तरीके से आने के कारण से सुख शांति नेमति और सब कुछ यहाँ रहते हैं। जिस समय केती में ज्यादा से ज्यादा दाना मिलते हैं, इसी प्रकार घर में खुशी भी डबल हो जाते हैं। आपको यहां भी याद रहना है। इसे नए फसल का त्योहार भी माना जाता है। इस अवसर पर खेत हरे भरे दिखाई देते हैं, चारों ओर हरे भरे वातावरण दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ रबी फसल का समय है। रबी फसल के समय पर चारों ओर खेती हरियाली ही नजर आते हैं और यहाँ दिखाई पड़ते हैं। रबी फसल का कटाई के लिए तैयार भी रहते हैं, रबी फसल का कटाई के लिए भी तैयार रहते हैं। आपको यह भी याद रहना है। इस कारण गांवों के किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं, क्योंकि क्या है, खेती खेत में बहुत उत्कृष्ट तरीके से दाना पैदा हुआ है और इस खुशी से किसान के जो जीवन में एक आनंददायक क्षण आए हैं और वह सबसे जो खुशी महसूस करते हैं इस अवसर पर। किसान गांव में किसान खुशी और उमंग से भर जाते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं, बहुत खुशी से यह त्योहार धूमधाम तरीके से वह आचरण करते हैं। और इसके बाद में देखिए, इसलिए इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाते हैं। उत्सव के रूप में, न केवल एक त्योहार के रूप में मनाते नहीं है, इसको उत्सव के रूप में मनाते हैं। उत्सव ही जैसा गांव में एक बड़े से बड़े उत्सव है, वैसा जो प्रतीति होते हैं मेले के जैसे और उत्सव की तरह यह धूमधाम तरीके से मनाते हैं। इस त्योहार के दिन सब मिलकर भोजपूर्ण बांगड़ा नृत्य गिद्ध नृत्य करते हैं। आपको यहाँ भी मालूम रहना है, बांगड़ा नृत्य गिद्ध नृत्य ये सभी नृत्य ये लोग करते हैं। बांगड़ा नृत्य पंजाबी लोगों के एक वैशिष्ट्यपूर्ण नृत्य है। गिद्ध नृत्य भी उनके जो वैशिष्ट्यपूर्ण नृत्य है, आपको यहाँ मालूम रहना है। बांगड़ा नृत्य पंजाबी और पंजाबियों के बहुत उत्कृष्ट नृत्यों में एक माना जाता है। उसी तरह गिद्ध नृत्य को भी वैसे ही मानते हैं। यह अपने सर्वश्रेष्ठ नृत्य बांगड़ा नृत्य और साथ ही साथ गिद्ध गिद्धा नृत्य भी करते हैं। आपको यह मालूम रहना है। चित्र में वहाँ देखिए एक वह उनके हाथ में वह क्या क्या है, और ढोल है और उसी के मारे वह बहुत सुंदर तरीके से बांगड़ा नृत्य करते हुए नजर आते हैं। चित्र में देख लीजिए, आपको यहाँ मिलते हैं। इस दिन सभी लोग परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, आपको यहाँ भी मालूम रहना है। यहाँ दिन परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, उनका वस्त्र क्या है, ड्रेस कोड क्या है, आपको मालूम है, आपको मालूम है पंजाबी लोगों के जो वस्त्र कैसे रहते हैं। वहाँ पगड़ी पहने रहते हैं और उस वक्त बहुत खूब सुंदर रहने वाले पगड़ी पहनते हैं और उसके बाद में ओवरकोट रहते हैं और बहुत जो कहना लंबा सा जोगा पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं, या रहना है। और साथ ही साथ परंपरागत उनके जो परंपरा उनके जो संप्रदाय के अनुसार रहने वाले ऐसा जो एक जो यह है उनके जो ड्रेस कोड है, आप देख लीजिए, आपको यह मालूम हो जाते हैं। यह जो उनके ड्रेस कोड की तरह है, यह देख लीजिए, आपको मालूम हो जाते हैं। इस दिन वह परंपरागत वस्त्र पहनते हैं, ताजे गेहूं के आटे की रोटी, देसी घी की और गुड़ खाते हैं। आपको यह भी याद रहना है, उस दिन वह ताजे गेहूं की रोटी खाते हैं। ताजे अभी अभी जो फसल कटाई करके आकर वैसे घर लाया हुआ ताजा गेहूं गेहूं के जो रोटी बना लेते हैं और साथ ही साथ देसी घी है। यहाँ जो
मार्केट में मिलने वाले घी के बारे में सुनते नहीं है, अपने घर में ही बनाए हुए देसी घी के जो बारे में देसी घी खाते हैं और उसके साथ साथ गुड़ भी खाते हैं, बेल्ला बेल्ला यह भी खाते हैं। इस तरह एक विशिष्ट विशेष तरीके से और अपने जो यह जो त्योहार है ना सांप्रदायिक ढंगों से यहाँ मनाते हैं। इस बीच में उत्सव अग्नि जलाकर उसके चारों तरफ नाचते हैं। चित्र में देखिए उत्सव अग्नि है, वहाँ उत्सव अग्नि को जलाकर उसके चारों तरफ नृत्य करते हैं, उसके चारों तरफ नृत्य करते हैं। उत्सव अग्नि जलाकर उसके चारों तरफ नृत्य करते हैं, उत्सव अग्नि जलाते हैं और उसके चारों तरफ अपना विशिष्ट प्रकार के भांगड़ा नृत्य गिद्धा नृत्य ये सभी वहाँ प्रदर्शित करते हैं। इस तरह खुशी खुशी से घर के सभी सदस्य बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक अत्यंत खुशी यहाँ मनाते हैं। गांव में वह दिन न त्योहारों के दिन है, यह तो उत्सव के रूप में यह धूमधाम तरीके से मनाते हैं। यह है बैसाखी त्योहारों के परिचय है। बैसाखी त्योहार पंजाबी के लोगों के लिए एक समृद्ध सूचक त्योहार है और साथ ही साथ अत्यंत खुशी से यह इस त्योहार में भाग लेते हैं। इसमें डाउट से तो आप कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त इसके बारे में पूछ सकते हो। यह है बैसाखी त्योहार के परिचय। अब हम विशु त्योहार के बारे में देखेंगे। विशु भी एक विशेष प्रकार के त्योहार है। विशु त्योहार सामान्य तरह से केरल में यह हमें देखने के लिए मिलते हैं। विशु त्योहार एक सुंदर त्योहार है। वह दिन विशु त्योहार के दिन श्री कृष्ण का जो आराधना किया जाता है, विष्णु की आराधना किया जाता है, यह दिन लोग गुरुवायूर, अयप्पा मंदिरा, शबरीमले और अन्य जगह में बहुत ज्यादा से ज्यादा भीड़ हमें देखने के लिए मिलते हैं। बहुत लोग यह दिन भगवान की जो दर्शन कर आते हैं, गुरुवायूर में भगवान की जो दर्शन ज्यादा से ज्यादा करते हैं। केरल में यहाँ जिस तरह हम पंजाब में बैसाखी त्योहार जो विशिष्ट प्रकार से मनाते हैं, उसी तरह केरल में यह त्योहार भी धूमधाम तरीके से मनाते हैं। केरल में विशु त्योहार के बारे में पहले एक बार पढ़ेंगे देखेंगे। केरल में नव वर्ष के प्रारंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाया जाता है। विशु कानो अर्थात शुभ दृश्यों के अवलोकन की प्रथा इस वर्ष के नव वर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। अक्षत, नए वस्त्र, तांबूल, पत्र, सुपारी, दर्पण, फूल, सिक्का आदि समृद्ध सूचक पदार्थों को कांस के बर्तनों में रखा जाता है, जिसे खनी कहते हैं। और परिवार की सबसे बड़ी सदस्य खनी की व्यवस्था विशु के पूर्व रात के करती है और केवल लोगों को करती है। केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखता है उसके लिए नववर्ष मंगलकारी होते हैं। केरल में विशु त्योहार एक विशिष्ट प्रकार से मनाते हैं। केरल में नववर्ष के प्रारंभ को विशु त्योहार के रूप में मनाते हैं। जिस तरह बैसाखी को पंजाब के लोग नववर्ष के प्रारंभ के रूप में मनाते हैं, उसी तरह केरल में विशु त्योहार को नववर्ष के प्रारंभ के त्योहार के रूप में मनाते हैं। विशु कानो यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है। कनी बनाते हैं उसे पहले जो कौन देखते हैं, विशु कानो इसका अर्थ है शुभ दृश्यों के अवलोकन की प्रथा। विशु कानो का अर्थ है
शुभ दृश्यों की अवलोकन की प्रथा, यानी शुभ दृश्य जो शुभ सूचक दृश्य रहते हैं वहां जो दृश्य सबसे पहले कौन देखते हैं, यह है अवलोकन का दृश्य है। मतलब है उठने के बाद में जैसे ही यहां उठते हैं ना, सबसे पहले किसी का भी जो मतलब सबसे जो घर के जो बड़े सदस्य उनको आंख बंद करके लेकर आते हैं और यहां का दर्शन कराते हैं। देखिए सबसे पहले इनको यहां देखना है, ऐसा उनकी प्रतीति है। विश्व कानों का अर्थ है शुभ दृश्यों का अवलोकन की प्रथा है। इस नव वर्ष के उत्सव का महत्वपूर्ण अंग होते हैं विश्व कानों। नव वर्ष के इस विश्व त्योहार के सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं। कनी मतलब क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। कनी की दर्शन करना है, विश्व कनी के जो दर्शन को जो भी करते हैं ना उनके लिए यह वर्ष अत्यंत लाभदायक शुभ प्रदायक और उनके लिए जीवन भर की सुख खुशी देने के काम करते हैं। देखेंगे हम यह कनी कैसे रहते हैं। कनी में क्या क्या रहते हैं, देखिए एक तो दर्पण रहते हैं, आपको चित्र देखे तो आपको मालूम हो जाते हैं कनी कनी है, यहाँ कनी का जो दृश्य है देखिए। कनी में क्या क्या रहते हैं, देखिए अक्षत नए वस्त्र तांबूल पत्र सुपारी दर्पण फूल सिक्का और विशिष्ट प्रकार के जो फल भी रहते हैं आम हो और बहुत सारे जो फल रहते हैं। यह जो सभी आपका जैकफ्रूट जैकफ्रूट भी यहाँ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ देखिए सभी जो समृद्ध सूचक और शुभ वस्तुओं को यहाँ रखा जाता है। आदि समृद्ध सूचक पदार्थों के कांस के बर्तनों में, आपको याद रहना है ये सभी कांस के बर्तनों में रखा जाता है। यह विष्णु मूर्ति के सामने रखते हैं, आपको चित्र के चित्र में दिया है, देखिए आपको श्री कृष्ण के जो मूर्ति है श्री कृष्ण के मूर्ति के सामने वह चित्र दिया है। देखिए दो बच्चे प्रणाम कर रहे हैं, माँ वहाँ पूजा कर रही है। सबसे सुंदर तरीके से यह दृश्य आपके सामने उपलब्ध है। देखिए कांस के बर्तनों में रखा जाता है जिसे कनी कहते हैं। परिवार के सबसे बड़ी सदस्य सबसे बड़ी स्त्री स्त्री सबसे बड़ी सदस्य सदस्य पुल्लिंग है, सदस्य स्त्रीलिंग है, आपको याद रहना। घर में सबसे बड़ी स्त्री क्या करते हैं, इस कनी की तैयार करते हैं। तनी कनी में क्या क्या रहना है ये सभी व्यवस्था परिवार के सबसे बड़े सदस्य करती है, पूर्व रात ही करती है। केरल के लोगों का विश्वास है कि विशु के दिन जो भी विशु के दिन जो सबसे पहले इसे देखते हैं उसके लिए नव वर्ष मंगलकारी होते हैं। सभी यहाँ इसके दर्शन करते हैं, विश्व कनी के दर्शन करते हैं, विश्व कनों का कानों का दर्शन करते हैं। इस कनी की जो दर्शन जो भी करते हैं ना उनके लिए यह वर्ष वह वर्ष मंगलदायक रहते हैं, ऐसा केरल के लोगों के विश्वास है। आपको यह विश्व कनी और कनी और विश्व त्योहार के बारे में कहा है। विश्व त्योहार के में भी आपको यहाँ याद रहना है नया वस्त्र पहनते हैं और मनपसंद खाना बनाकर खाते हैं और विशिष्ट प्रकार से वह यहाँ विश्व त्योहार मनाते हैं। बच्चों आज की कक्षा में हम पंजाब के लोगों के बैसाखी त्योहार और केरल के लोगों के विश्व त्योहारों के परिचय प्राप्त किए हैं। आने वाले कक्षा में हम एक दो और दो त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। आने वाले कक्षा में इसके आगे के बाद देखेंगे। यहाँ कहते हुए आज की कक्षा यहाँ ही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।